हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स भी अच्छे हुए होंगे और ईद भी अच्छी गुजरी होगी और आप लोग अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है इसका बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों से वो लिस्ट शेयर कर दूं कि जिसमें कि जिन लोगों ने अपने सॉल्यूशंस मुझे अपलोड किए हैं और जिनके सॉल्यूशंस मुझे रिसीव हो गए हैं। ठीक है, तो मैं हर सेक्शन का एक आपसे लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपने देखना है कि आपका नाम है कि नहीं है। अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो इसका मतलब है कि आप लोग एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए। ठीक है, मिड टर्म के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए। तो ये पहला सेक्शन है, ये है सेक्शन BSCSA। ठीक है, इसके जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं 6। तो 6 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्ज़ाम में BSCS सेक्शन ए के। ठीक है, ये एक स्टूडेंट है BSIT का, पता नहीं ये BSIT क्या है कि ये किसका है, मोहम्मद जिशान। इसको पता होना चाहिए था कि इसने जो फॉर्म फिल किया है वो फिल किया है BSCS सेक्शन ए का। तो इसका मैं पेपर देख के बताऊंगा कि ये किस सेक्शन का है। ठीक है, ये देखा आप, इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। चले खैर, तो ये आप सब लोगों ने DLD वाले भी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी, मैं इसी में ही आप सबको लिस्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपने मुझे सॉल्यूशंस भेजे हैं वो मुझे रिसीव हो गए हैं। यानी ये वो नाम है उन लोगों के जिनके सॉल्यूशंस मुझे थ्रू गूगल फॉर्म रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आता है BSCS सेक्शन बी है। ठीक है, इसके भी स्टूडेंट्स हैं 7। 7 स्टूडेंट्स हैं जो आपको इनके नाम शो हो रहे होंगे। ये देखें, ये है साद अहमद और मोहम्मद उस्मान, और ये नाम देख लें आप लोग। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स हैं BSCS सेक्शन बी के। इसी तरह अब हम आते हैं BSCS सेक्शन सी। के स्टूडेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। आपका अगर इसमें नाम मिस है और आपने अगर सॉल्यूशन भेजा हुआ है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो गिवन डेट थी उसके अंदर अंदर ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने मुझसे शेयर की हुई हैं, अपने सॉल्यूशंस शेयर किए हैं। ये आप पॉज करके भी वीडियो देख सकते हैं, इसमें सब स्टूडेंट्स के नाम गिवन है। ठीक है, अच्छा, अब है BSIT ए सेक्शन। BSIT ए सेक्शन में है, इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। तो ये उनका रोल नंबर और नाम नज़र आ रहे हैं, ये देख लें। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पेपर शेयर किया अपना थ्रू गूगल फॉर्म। तो जी ये स्टूडेंट थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आते हैं अभी हम देख रहे थे BSIT ए सेक्शन, अब देखते हैं BSIT बी सेक्शन। BSIT बी सेक्शन में भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। ये नाम है उनके लिस्ट, तो ये इसके 28 स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसके बाद है PSIT भी हो गया,
और BSSC, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट सेक्शन है हमारे पास। इसमें 16 स्टूडेंट हैं इस सेक्शन में, और उनके ये नाम है। ठीक है जी। अच्छा, ये थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स। अब आपको मैं दिखाता हूँ, अब है BS, सॉरी DLD के स्टूडेंट्स। तो DLD के स्टूडेंट्स में MCS के जो स्टूडेंट्स हैं वो दो ही स्टूडेंट हैं, एक का नाम मोहम्मद हामिद है और एक का नाम मोहम्मद दानियाल है। ठीक है, मोहम्मद हामिद और दानियाल। और लास्ट में है हमारे पास MIT के स्टूडेंट्स जो DLD पढ़ रहे हैं, उनमें है ये 6 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये 6 स्टूडेंट जो हैं ये MIT के हैं। ठीक है, आप लोगों की मुझे ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है। अब इसमें काफ़ी चांसेस है कि आपका वो भी डॉक्यूमेंट भी हो। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो मुझे कहे कि मैंने आपको विद इन टाइम भेजा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जब टाइम गुजर गया था उसके बाद मैंने ये डाउनलोड किया है। तो आप स्टूडेंट का कोई कोई इशू है किसी स्टूडेंट का, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल परसों से लेक्चर दोबारा अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर किसी का कोई इशू है, किसी का नाम लिस्ट में नहीं है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।